हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन जो कि अलीगढ़ के स्थित एक कंपनी इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल सॉल्यूशन ने बनाई है, इसको कैसे अनबॉक्स करेंगे और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। पहले इस मशीन को हम लोग थोड़ी सी ऊंची स्थित जगह पर इसको रखेंगे, इस बॉक्स को, और देन ब्लेड की मदद से इसके ऊपर के लगे टेप को हम लोग हटाएंगे। पहले हम लोगों को मशीन चेक करनी है कि ये सीधी खड़ी है कि नहीं है। ये सिंबल दिखा रहा है कि ये इस साइड अपसाइड है, इसका पहले हम लोगों को मेक श्योर कर लेना है कि ये चीज़ सीधी है कि नहीं है। पहले ब्लेड की मदद से टेप को यहाँ से काटना है। और फिर ये ऊपर की साइड से इस टेप को काटना है। निकालते खोलते के साथ हम लोगों को एक यूज़र मैनुअल दिखाई दे जाएगा। इस यूज़र मैनुअल में इस मशीन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किस तरीके से स्टार्ट करना है, उस सब के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। ब्लेड से काटने के बाद ये फ्लैप आपका बाहर की तरफ को खुलने लग जाएंगे और ऐसे ही हमारे ये ऊपर के फ्लैप खुलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हम लोगों को इस कार्टन को इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाते हुए जाना है। और ये हमारी मशीन ऐसे, जैसा कि मैंने बताया था, इसकी एक्सेसरीज में एक यूज़र मैनुअल आएगा, एक मास्क आएगा, ऑक्सीजन मास्क, एक नेजल कैनुला है। अब हम लोग इसको इधर से इसको नीचे की तरफ रखेंगे और इसको निकालेंगे। सबसे पहले इस मशीन को स्टार्ट करने से पहले हमें नीचे दिए गए हुए फ्लैप को काटना है और उसको नीचे की तरफ खींच लेना है। ये जो फ्लैप दिया हुआ है एंड देन इसको नीचे की तरफ खींचना है ताकि ये बाहर आ जाए। ये इस मशीन के साथ इस मशीन का पावर कॉर्ड है, इसकी मदद से हम लोग इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करेंगे। दूसरा ये ह्यूमिडिफायर बॉटल है जिससे हमारा ऑक्सीजन मास्क कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन पास होती है और ह्यूमिडिफाई होती है। कि इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, ये इसके साथ एक सिलिकन पाइप आई है और ये बॉटल है, इसके अंदर इसको इस तरीके से हमें कस लेना है। और इस बॉटल के अंदर एक और पाइप है, इसको भी हमें इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देना है अंदर की तरफ से। इस बॉटल पे दो मार्किंग दी हुई हैं, सबसे कम कितना पानी रहना चाहिए और सबसे ज़्यादा कितना पानी रहना चाहिए। तो इन दोनों मार्किंग के बीच में हमें इसमें पानी रखना है और पानी साफ पानी जिसे पिया जा सके, आरओ वाटर, इसको अंदर डालना है। पानी की मात्रा एक बार फिर से देख लें, मिनिमम और मैक्सिमम के मध्य में। इसको इस तरीके से फिर दोबारा इसे बंद कर देना है। इस बॉटल को इस फ्लैप के अंदर रख के लगा देना है। इस ह्यूमिडिफायर का जो पाइप है जो हमने पहले लगाया था, इसमें कसा था, इसको हम इसके आउटलेट पे लगाएंगे। इसको थोड़ा सा पुश करना है इसके अंदर और एक बार चेक करना है कि ये बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है।
दूसरा हमें अपना ऑक्सीजन मास्क लेना है, उसके साथ हमें ये एक सिलिकॉन ट्यूब मिली होगी, उस सिलिकॉन ट्यूब का एक हिस्सा, एक सिरा हम इसके साथ जोड़ेंगे जो यहाँ पर इसकी ओपनिंग है। और इसका दूसरा सिरा हम ऑक्सीजन मास्क में दिए गए सुराख में लगाएंगे और ये ऑक्सीजन मास्क तैयार है पेशेंट को लगाने के लिए। मशीन के बाईं ओर की तरफ एक पोर्ट दिखाई देगा जिसमें हमने पावर कॉर्ड की एक सिरा लगा देना है इस तरीके से, और दूसरा प्लग हमें किसी भी पावर सप्लाई में जहाँ के 220 वोल्ट एसी सप्लाई आए उसमें लगा देना है, स्विच ऑन कर देना है और इसके बाद मशीन में दिए गए इस स्विच को ऑन करना है। आप देख सकते हैं हमारी मशीन ऑन हो चुकी है और हमें 3 मिनट का अभी वेट करना है ताकि ये मशीन अपने ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे आ जाए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मशीन की कंसंट्रेशन ऑप्टिमम पे पहुंच चुकी है, अब ये मशीन पूरी तरीके से तैयार है यूज़ करने के लिए। जैसा आप देख सकते हैं कि ह्यूमिडिफायर बॉटल में हवा आ रही है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ से निकल के इसमें से होते हुए मास्क में आ रही है। इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की अधिकतम योग्यता 10 LPM है, आप अपने उपयोग अनुसार इसको सेट कर सकते हैं 5 या फिर 8 या फिर 10 पे। अगर ऑक्सीजन की मात्रा 82% से कम है तो इस मशीन से इस तरह की एक बीप साउंड आएगी। बीप साउंड सुनते ही बाईं ओर दिए हुए कस्टमर केयर नंबर को डायल करें और मशीन के ख़राबी की सूचना दें। ये था हमारी पूरी मशीन का डेमोंस्ट्रेशन। अगर आपकी और कोई क्वेरीज है तो आप दिए गए नंबर पर डायल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट engenv.com पे जाके विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।